सो गाइस फाइनली मेरे पास आ चुकी है दी ब्रांड न्यू टीवीएस अपाचे आरटीआर 310। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 2,93,000 ऑल द वे अप टू 3,53,000 ऑन रोड मुंबई। और इसमें ना आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं, एक है बेस, दूसरा है टॉप एंड तीसरा है बीटीओ। तीनों में क्या क्या फ़र्क है वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताता रहूँगा। स्पेशल थैंक्स टू टीवीएस ऑटोरेस एंड सकेत सर जिन्होंने जो मुझे आज ये बाइक प्रोवाइड की आप तक पहुँचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सीधा फ्रंट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी लुक एंड फील बता दूं भाई, ये दिखने में ना काफ़ी ज़्यादा कड़क है। एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है वो है इसका बैक व्यू। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कुछ भी नहीं मिलता है। लोग खास करके इसके लिए पैसे डाल के टेल टाइडी डलवाते हैं, पर आपको यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज इसका जो नंबर प्लेट है वो लगता है यहाँ पे, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। बट पीछे से बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगती है, आगे से भी काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखती है। सो आगे ना आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आपको डायनेमिक एलईडी हेडलाइट्स मिलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप जितने भी अंधेरों में जाओगे उतना ये रोशनी फेंकेगी, मतलब जितना अंधेरे में जाओगे उतना ये डार्क 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 होती जाएगी, मेरा मतलब है ब्राइट होती जाएगी। तो ये है ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो 43mm के गोल्डन कलर के USD फोक्स आपको मिल जाते हैं। BTO में क्या है ना, आपको ये एडजस्टेबल USD फोक्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको नहीं मिलते। सो ऐसे करते करते मैं आपको बताऊँगा कि आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा। बाइबेल की तरफ से आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, और टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ 110/70 R17 के ट्यूबलेस टायर्स है ये। एंड ये जो ब्रांड है मिशेलिन की तरफ से आपको ये टायर्स मिलते हैं। ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगी, साथ ही में आपको जो है सुपर मोटो मोड भी मिल जाता है, और उसका आप रेडिएटर देख सकते हो, काफ़ी बड़ा सा रेडिएटर यहाँ पर आपको मिल जाता है। सो यहाँ पर ना ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो डुकाटी स्ट्रीट फाइटर वाली लुक एंड फील मिल जाती है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग, और यहाँ पर आपको TVS का हॉर्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको RTR 310 का ये भी मिल जाएगा रेसिंग फ्लैग, और टर्न इंडिकेटर्स जो रहेंगे आपको मिलेंगे LED में। और अभी मैं आपको दिखा दूँ इसकी हेडलाइट्स, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये देखिए क्या कूल लगती है ना, काफ़ी ज़्यादा कड़क, ठीक है। तो भाई लुक के मामले में ना आपको बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं होगी, इट इज़ अ वेरी 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 गुड लुकिंग मोटरसाइकिल। साइड पे आ जाते हैं, सो आप इसका देख सकते हो फ्रेम, आपको हाफ फ्रेम ये मिलेगा, बाकी का जो सब फ्रेम है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ है। 310cc का DOHC रिवर्स इंक्लाइंड इंजन यहाँ पे आपको मिलता है, जो लिक्विड कूल्ड है। बाकी पावर फिगर्स जो आपको नीचे आते रहेंगे, TVS रेसिंग की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट ब्लॉक। आई थिंक ये एयर आने जाने के लिए ये फिन्स बनाए हुए वैसा है। ये रहा राइडर फुटपैक, ये रहा पिलियन फुटपैक। एग्जॉस्ट जो है आपको वही सेम एग्जॉस्ट मिलता है जो आपको वो फेयरिंग वाले वर्जन में मिलता है। सुन लेते इसका एग्जॉस्ट नोट, अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसके थ्रॉटल रिस्पांस में ना हल्का सा डिले है, ये देखिए सुनिएगा। जब मैं छोड़ता हूँ, छोड़ने के बाद जो है उसका एक्सेलरेशन बंद होता है, जो मैं आपको मोटो व्लॉग करने के टाइम पे बताऊंगा, जो मैंने इसमें ये किया रिसर्च किया हुआ है और मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मैं आपको ज़रूर से वो बात बताऊंगा थोड़ा। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स भी मिल जाते हैं, क्या बात है, राइड बाय वायर मिल जाएगा। पीछे जो है आपको मोनोशॉक मिलते हैं, दिस इज़ दी मोनोशॉक। और BTO में भी आई थिंक आपको जो है एडजस्टेबल मोनोशॉक्स मिल जाते हैं। ये रहा पिलियन फुटपैक, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। मिशेलिन की तरफ से टायर्स मिलते हैं, इसका जो प्रोफाइल है वो अंदर छिप चुका है। हाँ ये रहा 150/60 R17 के ट्यूबलेस टायर्स, ठीक है। और आप देख सकते हो पीछे का लुक, देखिए आप ये, मतलब वाव। और पीछे भी ना आपको डायनामिक टेल लाइट्स मिलती है, इसका मतलब ये होता है कि जब कभी आप हार्ड ब्रेक करोगे तो ये ना ऐसे ब्लिंग ब्लिंग करना शुरू कर देती है, तो वो एक अच्छा खासा सा सेफ्टी फीचर, आपके पीछे वाले को पता चल जाएगा कि आपने बहुत ज़ोर से हार्ड ब्रेक किया हुआ है। और ये वाले आ जाते हैं, सो यहाँ पे ना आपको सारी कार मिल जाता है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आप इसका टायर अगर भी देख लीजिए, टायर अगर भी आप यहाँ पे इंडिकेटर्स, और ये आपको मिल जाते हैं नंबर प्लेट की सेटिंग। 6 स्पीड की गेयरबॉक्स मिलती है आपको, 6 स्पीड की गेयरबॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाती है, और आपको सेक्शन इंजन कट ऑफ फीचर भी मिल जाता है। यहाँ पे ना आपको मेन स्टैंड नहीं मिलता, और आप देख सकते हो इसका जो पाइप है कितना ज़्यादा एक्सपोज्ड है। आप देखिए ये देखिए, ये देखा आपने, ये कितना ज़्यादा एक्सपोज्ड है, और वो ना वो पर्पलिश कलर में चेंज होता है, तो काफ़ी मज़ेदार लगता है। सो दिस इज़ दी साइड व्यू। सीट्स पे आ जाते हैं भाई, एक चीज़ ना आपको माननी पड़ेगी कि यहाँ पर ना BTO वेरियंट में आपको कूलिंग सीट्स मिलते हैं, मतलब सीजनल सीट्स मिलते हैं,
तो अगर आप चाहो तो उसको ठंडा भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसको सॉरी क्लाइमेटिक कंट्रोल सीट्स मिलती है, जिसको आप चाहो तो ठंडा भी कर सकते हो, जिसको चाहो आप गर्म भी कर सकते हो, बट ये वाले वेरियंट में वो नहीं है। पिलियन की जो सीट है वो स्प्लिट सीट है, TVS अपाचे रेसिंग की ब्रांडिंग, वो स्प्लिट सीट है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सीट है, छोटी सी है। तो पिलियन के लिए ना मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो पिलियन के लिए अगर आप ये मोटरसाइकिल सोच रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रॉनिन ले लो। और ये देखिए ग्रैब बस, काफ़ी बैटमैन टाइप ग्रैब बस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, टंकी भी आ जाते हैं भाई। टंकी में स्कल्पटिंग इतना ज़्यादा किया हुआ है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे आपको हॉर्स मिल जाएगा, अपाचे मिल जाएगी, और ये रहा ये E20 कंप्लेंट बाय द वे, ये रहा इसका फ्यूल कैप, काफ़ी मैसिव सी टैंक यहाँ पे आपको मिलती है। इसमें से ना आप ज़्यादा एवरेज कंसीडर मत करना, आपको लगभग 20-25 के आसपास मिल जानी चाहिए। अभी आ जाते इसके हैंडल बार पे, उसके डिस्प्ले पे भाई, फीचर्स के मामले में ना इससे ज़्यादा फीचर्स वाली 300 cc में आपको तो नहीं मिलेगी। सबसे पहले हैंडल बार बता दूँ, स्लीपर क्लच मिल जाएगा, एडजस्टेबल पास लाइट, क्रूज कंट्रोल, हज़ार्ड लाइट, इसको बंद कर देते हैं। ये जो है डिस्प्ले के लिए है, यह टर्न इंडिकेटर्स, यह है हॉर्न, यह है इंजन किल स्विच और पावर का, तीनों का एक ही बटन दिया हुआ है। अभी आ जाते इसके TFT डिस्प्ले पे, जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए वाओ इसका डिस्प्ले देखिए, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप ना कोई तो कंसोल PS प्ले स्टेशन चालू किया वैसे आपको लगता है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, टाइम मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा, RPM, स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड वार्निंग, लो फ्यूल, लैप टाइमर, ये है किलोमीटर्स पर लीटर, ओडोमीटर, रेंज पर 51 की रेंज बता रहा है, और आई थिंक फुल टंकी में ये ऑलमोस्ट 420 की रेंज दे देना चाहिए। और अभी मैं आपको बता दूँ अगर आप अंदर जाते हो तो आपको क्या मिलता है। सबसे पहले राइडिंग मोड्स मिलते हैं, अर्बन, रेंज, स्पोर्ट्स, ट्रैक, सुपर मोटो, जैसे मैंने बताया था रियर ABS ऑफ हो जाएगा। नीचे आते तो आपको ट्रिप डिटेल्स मिल जाएगी, पीछे जाते माय व्हीकल में आपको परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, सर्विस डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है, और साइड पे भी आप देखो और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। प्रेफरेंस में आपको डायनेमिक हेडलैम्प, जैसे मैंने आपको बताया DRLs, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, आप टर्न ऑफ एंड ऑन कर सकते हो मेरे दोस्त। कनेक्टिविटी, डिस्प्ले सेटिंग, कस्टम विजेट्स, स्पीड अलर्ट, मतलब यू नेम इट, इट्स देयर। तो यह है इसका मेन्यू, काफ़ी इजी टू गो मेन्यू बनाया हुआ है, इसको अपन चले आते हैं वापस से यहाँ पे। और बाय द वे इस मोटरसाइकिल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, आपको कॉर्नरिंग ABS मिल जाती है, इतना ही नहीं आपको इसमें एक क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। वो कैसे काम करता है मुझे पता नहीं, उसको मैं टेस्ट तो नहीं ही करना चाहूँगा, बट आपको ये सारी की सारी चीज़ें इस मोटरसाइकिल में मिल जाती है। सो गाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा वॉक अराउंड ऑन द TVS अपाचे RTR 310। अभी मैं काम करता हूँ, मैं घुसता हूँ अपने मोटोलॉग के सेटअप में, और लेट्स सी ये बाइक चलने में है कैसी। मोटोलॉग में आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो मैंने आपको वॉक अराउंड में अभी तक नहीं दिए, सो लेट्स डू दिस। सो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने मोटोलॉग के सेटअप में, और ये रही बाइक की चाबी, #खुशियों की चाबी इन द चैट, और यहाँ पे आपको हाइपर स्पेक नाम का स्टिकर भी मिलता है। लुक के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज भाई, नो कॉम्प्रोमाइज। सो अभी आ जाते मेन पोर्शन पे, सबसे पहले जय श्री राम। चलिए सो भाई यहाँ पे ना मैं आपको इतनी सारी डिटेल्स देने वाला हूँ मोटरसाइकिल के बारे में, आपको क्या ही बताओ। अगर आप इसके वायर को भी देखो ना, तो वो कुछ तो प्लास्टिक या कुछ तो कपड़े वाला चीज़ है, नेट जैसे उसके अंदर डाला हुआ है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आई डोंट थिंक आपको किसी ने बताया होगा, बट है तो है। अरे बाबा रे, ये डिले ना आपको थोड़ा यूज्ड होना पड़ेगा इस डिले से, ठीक है। और क्या चाहिए आपको पावर के मामले में। सो भाई सबसे पहले मैं बात करूँगा इस मोटरसाइकिल के कंफर्ट को लेके। नो डाउट आपको यहाँ पे वो स्ट्रीट फाइटर वाली लुक एंड फील मिल जाती है। हैंडल बार्स ना इसके काफ़ी ज़्यादा वाइड है, और थ्रॉटल ना इतना ज़्यादा इस मोटरसाइकिल का कि आपको थोड़ा डिसकम्फर्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब आप इसे पूरे पीछे झटके से पीछे चले जाते हो। सो वो बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्ट है थोड़ा। और हाँ, हैंडल बार्स काफ़ी ज़्यादा वाइड है, सीट्स ना काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, बट द थिंग इज़ वो पतली सी सीट है, तो आपको अगर लॉन्ग राइड्स कर रही है ना उसके लिए आपको थोड़ा पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। टैंक जो है काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, मेरी जो हाइट है वो है 5'10", मेरे दोनों पांव इस मोटरसाइकिल में नीचे टिकते हैं क्या? हाँ, मोटरसाइकिल में टिकता है। अगर आपकी हाइट 5'7" 5'8" भी है फिर भी मैनेज हो जाएगी, उसके नीचे जो रहेगा तो एक टांग ऊपर एक टांग नीचे, वो जो होता है हिसाब वही पकड़ के चलना। वेट फील नहीं होता मोटरसाइकिल का, व्हीली मशीन है या व्हीली किलर है, आप व्हीली तो इसमें अच्छा नहीं से मार सकते अगर आपको आती है तो। मैंने जानबूझ के नहीं सीखी, बिकॉज मुझे मारनी नहीं है, मुझे वो सब करना ही नहीं है, ऐसी वाली बात है। एंड आपको हल्का सा 1-2% आगे झुकने की ज़रूरत पड़ती है,
हाँ, अगर कंफर्ट में अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ, इज इट कंफर्टेबल? सो यस, इट इज़ कंफर्टेबल, स्पेशली वो फेयरिंग वाली मोटरसाइकिल से तो 100% कंफर्टेबल है, ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल के इंजन पे, जिस पे मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप लेने के पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात, अगर कोई भी पेरेंट्स ये मोटरसाइकिल अपने बच्चों को देने के लिए सोच रहे, अपने फर्स्ट मोटरसाइकिल, आई वुड नॉट सजेस्ट देम दिस मोटरसाइकिल। बहुत ज़्यादा पावर है मोटरसाइकिल में, इतना ज़्यादा पावर आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते, डेफिनेटली है। और अगर आपके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस है तो ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये मोटरसाइकिल लेने के लिए, बिकॉज पावर, इनसेन पावर। इनसे मैं खुद डर गया जब मैं पहली बार इसको चला रहा था तब। और इसमें ना आपको राइड बाय वायर मिलता है, ठीक है। सो और ये राइड बाय वायर का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना हल्का सा डिले है। आप जब खोलते हो तभी भी डिले होता है, आप जब छोड़ते हो तभी भी डिले होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखा, हल्का सा एक दो सेकंड का, मिली सेकंड का फर्क पड़ता है। हाँ, फिर एक बार गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है फिर आपको महसूस नहीं होगा, सिर्फ स्टार्टिंग में। और ये देखो, आप जब छोड़ते भी हो ना तो थोड़ी देर के बाद जो है वो स्पीड कम होना शुरू होता है। ये देखिए अभी जाके कम हुई स्पीड, देखा, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ रहे हो? मैं आपको चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। सो वैसी वाली बात है, बट भाई साहब टॉर्क तो इतना ज़्यादा, टॉर्क मैंने ड्यूक 390 के बाद किसी में देखा है तो इसमें देखा है। ओ माय गॉड, डरावना टॉर्क है, डरावना, समझ रहे हो? डरावना टॉर्क, आपको डरा देगा। विंड ब्लास्ट जरूर से लगती है। और अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूँ, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं इस मोटरसाइकिल के वाइब्रेशंस को लेकर। सो यस, डेफिनेटली आपको हैंडल बार्स पे लगता है, आपको फुट पैक्स यहाँ पे और थोड़े बहुत यहाँ पे लगते हैं। हायर आरपीएम पे जाओगे तो ज़्यादा लगता है, बट बाइक की जो बैलेंसिंग है, बाइक का जो कॉन्फिडेंस है ना हैंडलिंग डिपार्टमेंट में, वो 10/10 है। आप इस पर कॉर्नर कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप एक नॉविस भी हो फिर भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा कड़क इसका हैंडलिंग डिपार्टमेंट है। मज़ा आ गई, ठीक है। और अभी मोटरसाइकिल के दो मेन हाइलाइट्स, क्रूज कंट्रोल और क्विक शिफ्टर। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्विक शिफ्टर टेस्ट करा के दिखा दूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेच है। तो क्विक शिफ्टर कैसे काम करता है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप इसको टर्न ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हो, फिलहाल मैंने ऑन रखा हुआ है, मेरी गाड़ी जो है फर्स्ट गियर में। क्विक शिफ्टर टेस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड 3, 2, 1। ओह माय गॉड, थर्ड गियर, फोर्थ, ओह माय गॉड, फोर्थ। मेरी गियर शिफ्ट ही नहीं हुई थी। ऑटो ब्लिपर भी ट्राई कर लेते, डाउन शिफ्ट, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ओह माय गॉड, इतना एड्रेनल रश मैंने बहुत टाइम के बाद फील किया। इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। ट्रैक्शन कंट्रोल, अरे सॉरी, क्विक शिफ्टर इस मोटरसाइकिल का इस काफी ज्यादा था। ओह माय गॉड, मेरे कानों को और क्या एग्जॉस्ट नोट निकल के आता है यार, काफी ज्यादा कड़क। दूसरा हाईलाइट जो है इसका ये है क्रूज कंट्रोल। भाई अभी क्रूज कंट्रोल काम कैसे करता है सबसे पहले वो समझ लीजिए। 35 या 40 स्पीड के, मतलब किलोमीटर्स पर आर की स्पीड के बाद ही वो एंगेज होता है, उसके पहले अगर आप करने जाओगे तो नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे बटन दिया है, आपको उसको नीचे प्रेस करना है तो ये ग्रीन कलर का सिंबल चमकने लगेगा, उसका मतलब आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा सिंबल होता है। अभी हम लोग इसको 40 के ऊपर लेके जाते हैं, ये हो गई 40, 45। अभी मैं इसको नीचे ऐसे मार के सेट कर लूँगा। ये देखिए, ऐसे इसको नीचे मार रहे हैं, ये 50 पे सेट हो गया है, ग्रीन साइन आ रहा है। अभी मेरी बाइक जो है 49 पे चल रही है, 50, 49, 50, 49 पे फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। अगर इसमें मैं गियर चेंज करता हूँ या फिर ब्रेक मारता हूँ, सीधा जो इसका क्रूज कंट्रोल बंद हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से काम करता है, कमाल का काम करता है। हाईवेज पे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, सिटीज़ में तो भूल ही जाओ, आप इसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। ये देखिए, ये मैंने डाल दी, 51 पे सेट है। अभी आप पूरा दिन कुछ भी करो, हाथ छोड़ो, ये करो, वो करो, जो मैं सजेस्ट नहीं करता, बट आपको अगर थोड़ा सा स्ट्रेच वेच ये वो सब करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी वाली बात है, वर्क्स फाइन। दो फीचर जो है कमाल के काम करते हैं। अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल के ब्रेकिंग पे। भाई यहाँ पे टेस्ट करेंगे, और 100 तो इसके लिए मतलब चुम्मी है। भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है। आई एम श्योर मेरा पीछे का जो है वो डायनामिक चालू हो गया रहेगा। मैंने रील में बनाने की कोशिश की थी पर वो हुआ नहीं। हाँ, बट होना तो चाहिए, ठीक है।
अभी मैं क्रूज कंट्रोल को बंद कर देता हूँ, मुझे ग्रीन सिंबल थोड़ा ये कर रहा है। रेयर ब्रेक टेस्ट करेंगे। अरे गया वो बच गया भाई। द रेयर ब्रेक इज ऑल्सो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड वॉक। ABS क्या किकिंग हो रही थी यार, मजा आ गई। एक चीज़ का ध्यान रखना है आप, इस पर ना हायर RPM पे लंबे गियर पे कम RPM पे इसको चला नहीं सकते, वो खर 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 होना शुरू हो जाता है। और क्या एग्जॉस्ट नोट यार। ऑलराइट, सो आई फील मैंने ना बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इसको समझाने की कोशिश की इस मोटरसाइकिल को। अभी मैं आपको बता दूं, कंक्लूजन पे आता हूं कि ये बाइक आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भाई अगर आप एक डेली कम्यूट के लिए मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो 300-400 cc सेगमेंट में, तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, ये बाइक ना बहुत ज़्यादा फास्ट, इतना पावर आप इस्तेमाल नहीं करने वाले हो। दूसरी, और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको डे टू डे लाइफ में ज़रूरत नहीं है। अभी ये किसको लेनी चाहिए वो भी बता देता हूँ। अगर आप एक स्किल्ड राइडर हो और अगर आपको ट्रैक डे करना है, आपको लॉन्ग राइड्स करना है, तो आप ये डेफिनेटली मोटरसाइकिल ले सकते हो। बट आपको ना इसके लिए, मतलब आप ऐसा ही समझो कि आप अपने लिए एक सुपर बाइक ले रहे हो, समझ रहे हो। मतलब आप वही पकड़ मान के चलना कि आपके घर में एक सुपर बाइक आ रही है, भले 300 cc की है, बट एक सुपर बाइक की जैसे ही आपको लेना है। और बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप स्किल्ड राइडर हो देन जस्ट गो फॉर इट। 30% ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं आपको मना तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इट इज़ अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, ब्यूटीफुल। सो अभी अगले व्लॉग में ना मैं इसको सिटी में चलाने वाला हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि ये सिटी में कैसे काम करती है। अभी तक के लिए दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।